Welcome to Lily Artist Fabric Works. Fabric Painting for Beginners Day 15. और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि पेंसी को पेंट कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले मैं आपको शो कर रही हूँ कि इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं. और ये सारी पेंटिंग्स थोड़ी सी एडवांस लेवल है, तो अगर आप अभी फैब्रिक पेंटिंग में न्यू भी हैं, बिल्कुल ही न्यू हैं, तो आप क्लास वन देखिए या इससे पहले जो मैंने फैब्रिक पेंटिंग आपके साथ शेयर की थी वो देखिए और ईजी डिज़ाइन को ट्राई करिए. आज हम पेंसी सीखेंगे क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में बहुत कुछ सीख लिया है, तो ये शेड्स अब आपके लिए उतने मुश्किल नहीं होनी चाहिए. स्पेशली ये उनके लिए बहुत इजी होगा जिन्होंने अपना वर्क टाइम टू टाइम किया है. तो चलिए आज हम पेंट करेंगे और मैं जो कलर यूज़ करूँगी अभी शो करूँगी. और उसमें कुछ कलर्स ऐसे भी हैं जो मैंने आपको पहले की क्लासेस में प्रिपेयर करना बताया था. और अगर आप फैब्रिक पेंटिंग स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून. फैब्रिक पेंटिंग की ऑनलाइन क्लासेस पेड जल्दी मैं लॉन्च करने वाली हूँ. स्टार्ट होगी क्लास अगस्त से, बट इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी. मैं आपके साथ शेयर करूँगी यहाँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे, हर जगह आपको इसके अपडेट्स मिल जाएंगे. लिमिटेड सीट होगी, तो जो पहले बुक करेगा बस उन्हीं लोगों को मैं ले पाऊँगी. ज़्यादा एक क्लास में, एक बैच में मुझे ज़्यादा लोग नहीं चाहिए. तो अगर आपके पास बाद में ये इन्फॉर्मेशन पहुँची तो बी पेशेंट और नेक्स्ट बैच के लिए आप वेट करिएगा. जब मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन्फॉर्मेशन, तो जो भी अगर वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है पेड ऑनलाइन क्लास, तो वो ज्वाइन कर सकता है. जो पहले बुक करेंगे उनको मैं ऐड कर लूँगी. और उसके बाद जब हमारी क्लासेस एंड हो जाएगी तो फिर कभी अगर मैं लॉन्च करूँगी तो आप उसका पार्ट बन सकते हैं. तो इसलिए जल्दी करिएगा और मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको टाइम से डिटेल मिल जाए. यहाँ मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ और कलर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था. तो देखिए येलो एंड वाइट से फिल एंड शेड करने के बाद अब हम थोड़ा सा अपना ये वाला येलो शेड दे रहे हैं. ये कौन सा येलो, ये मैंने प्रिपेयर करके आपको क्लास में बताया. तो कौन सी क्लास में, तो देखिए मैंने आपको क्लास टू में बताया और भी बहुत सारी क्लासेस में, क्लास थ्री में बताया. तो स्टार्टिंग से आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये कौन सा है, ठीक है. सेम इसी पैटर्न से हम अपनी नेक्स्ट पेटल भी पेंट करेंगे. तो अभी ये ध्यान से देखिएगा कि इन दोनों पेटल के बाद अब हम कलर चेंज करेंगे, ठीक है. तो मैं आपको पेंसी पेंट करना बता रही हूँ. पेंसी के देखिए ये दोनों डिज़ाइन हैं, आप देख सकते हैं, जो मैंने बहुत पहले शेयर किए थे, एडवांस लेवल है. बट अगर आप डिफरेंट पेंट करना चाहते हैं तो वाई नॉट. अब देखिए यहाँ पे कलर चेंज करेंगे येलो शेड के बाद. यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं वाइट एंड पर्पल. तो मैं आपको रियल पेंसी पेंट करना बता रही हूँ. तो पेंसी में बहुत सारे कलर्स होते हैं, बट इसको पेंट करना थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा. इसको पेंट करेंगे उसी शेप में, पेंट करेंगे जिस शेप में हमने इसको ड्रॉ किया है. तो फर्स्ट कौन सा कलर अप्लाई किया, वाइट, देन लाइट पर्पल. लाइट पर्पल कैसे आप बना सकते हैं, पहले की क्लासेस में मैंने आपको बताया था, यहाँ एक बार बता दे रही हूँ. पर्पल एंड वाइट कलर को आप मिक्स करेंगे तो आपका लाइट पर्पल बन जाएगा, ठीक है. उसके बाद आपको पर्पल कलर लेना है और उसके बाद फिर से इस तरीके से शेडिंग करना है. अब अगर आपने अपराजिता फ्लावर की क्लास अटेंड की है और इसकी क्लास ऑनलाइन अवेलेबल भी है, तो वो वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको ये शेड आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है वो इससे. अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी देखिएगा. और देखिए अब इसको शेड करेंगे. शेडिंग किस तरीके से कर रही हूँ ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा. थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसको, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, एक बार में बन जाएगा. बट या अगर आपने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस की है तो आपका बन जाएगा. अब ध्यान से देखिए दो पेटल जो हैं हमने येलो कलर से पेंट की और दो पर्पल. अब ध्यान से देखिएगा कि इस पेटल को मैं किस कलर से पेंट करूँगी. तो स्टेप्स क्या हैं, वाइट कलर को सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ राउंड ब्रश. अगर आप राउंड से कंफर्टेबल नहीं है तो आप फ्लैट भी यूज़ कर सकते हैं. यूज़ करके देखिए कैसा बन रहा है और सब्सक्राइबर वर्क में शेयर कर सकते हैं. वाइट के बाद हम सेम लाइट पर्पल को अप्लाई करेंगे और अच्छे से ब्लेंड करेंगे. ब्लेंडिंग जितनी अच्छी और जितने स्मूथ होगी उतना अच्छा आपका पेंट होके तैयार होगा. देन उसके बाद मैं पर्पल कलर को अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके से. साथ में ही ब्लेंड कर सकते हैं या पहले अच्छे से अप्लाई कर दें और उसके बाद शेड बनाएंगे.
अब देखिए डार्क पर्पल शेड अप्लाई करने के बाद अब शेड करेंगे, ठीक है। बहुत ही ध्यान से शेड करेंगे और इसको एक लिमिट तक ही लेके जाएंगे, पूरा वाइट तक हम नहीं लेके जाएंगे वरना हमारा शेड ख़राब हो जाएगा। अब देखिए ये मैं अभी यहाँ पे, आपके पास एक क्लॉथ होना चाहिए जिसमें आप ब्रश को साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। और मैं हर बार ब्रश चेंज नहीं करती हूँ, मैंने आपको हर क्लास में बताया, बट पता नहीं क्यों सेम कमेंट्स आते हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी ही होता है, आप एक ब्रश ले लेंगे, आपका वो ब्रश आप उसकी अच्छी केयर करेंगे बहुत टाइम तक चलता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्ट के लिए अगर आपने एक बार ब्रश यूज़ कर लिया तो उसको फेंक देना, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको वॉश करेंगे, साफ़ करेंगे, फिर उसी ब्रश को वापस से यूज़ करेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है मुझे नहीं पता, बट ऐसा नहीं होता है। आपका ब्रश बहुत टाइम तक चलता है, जितनी अच्छी आप उसकी केयर करेंगे आपका ब्रश उतने टाइम तक चलेगा। देखिए अब शेड करने के बाद लास्ट स्टेप है, मैं डार्क पर्पल को अप्लाई कर रही हूँ और हल्का सा शेड दे रही हूँ। तो ये सारे प्रोसेस से हम इसके पेटल को पेंट एंड शेड कर लेंगे। अभी देखिए इसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो इसका पूरा सेंटर पार्ट है, इसमें डिटेलिंग ऐड करेंगे जिसकी वजह से इसका रियल लुक आएगा। अब स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो और जो सारे पेटल्स हैं उस पर भी डार्क शेड लगा के पहले शेड कर लेती हूँ, फिर आपको सेंटर पार्ट बताती हूँ। देखिए इस तरीके से थोड़ा सा सेटल डाउन तो हो गया है, क्योंकि जब तक मैंने इस पेटल को पेंट की थी तो पेंट अब उतना ज़्यादा नहीं है, तो अच्छे से यहाँ पे आपकी शेडिंग हो जाएगी। और ये शेडिंग करने के बाद अब देखिए मैं आपको सेंटर पार्ट बताऊँगी किस तरीके से पेंट करना है। तो देखिए सबसे पहले सेंटर पार्ट में इस तरीके से पर्पल शेड को अप्लाई करेंगे, लाइट पर्पल को यहाँ पर अप्लाई करिएगा, और आपका जो ब्रश का स्ट्रोक रहेगा वो बस उतने ही पे जाएगा। जब मैंने आपको शुरू में ड्रॉ करके दिखाया था तो जितना मैंने आपको पैटर्न दिखाया था ना, उसी पैटर्न में बस बनेगा, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। उसके बाद डार्क पर्पल उसी के ऊपर इस तरीके से हम अप्लाई कर देंगे, साइड पे भी लगा देंगे सेम इसी प्रोसेस से। और ये करने के बाद ब्रश को साफ़ करेंगे, ब्रश में हम लेंगे, ब्रश को पहले आप अच्छे से वॉश करके और क्लॉथ में साफ़ कर लीजिए, फिर लेंगे वाइट के साथ बहुत ही हल्का सा ग्रीन, और उसको इस तरीके से जो हमारा छोटा सा पैटर्न बचा उसमें लगाएंगे, फिर ब्रश को साफ़ करेंगे, वाइट कलर लेंगे, और अब वहाँ से मैच करते हुए पेटल के साइड पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, देखिएगा इस तरीके से, और उसको पूरा यहाँ से मिलाएंगे। तो इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद येलो कलर लेंगे ब्रश पर और छोटा छोटा सा पैटर्न बना देंगे। ये हो गया आपका इसका सेंटर पार्ट। इस तरीके से अगर आप पेंट करेंगे तो ये आपका एक रियल पैंसी का लुक आता है। अब थोड़ी डिटेलिंग ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं येलो वाला जो था हमारा उसको हमने शेड नहीं किया था, तो ऐसे लाइन डाल रही हूँ, और ये है हमारा फाइनल लुक पैंसी का। तो ये तो हो गया फ्लावर का पार्ट जो हमने कर लिया पेंट। अब देखिए ये हमारे जो लीव्स हैं और उसके स्टेम है उसको पेंट करना मैं आपको बताऊंगी। ब्रश देखिए राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ 8 नंबर, और अब चलिए इसको पेंट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्लावर को कनेक्ट कर लेंगे स्टेम से एंड लीव से, और उसके बाद और सारे पार्ट्स को पेंट करेंगे। अगर आप इस क्लास में न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्लास एंड होने के बाद आप ऑनलाइन पेंटिंग क्लास से क्लास 1 से क्लास अटेंड कर सकते हैं। जितने लोग भी यहाँ पे हैं अटेंडेंस दे दीजिए, और अगर आपको नहीं पता तो मैंने न्यू ग्रुप क्रिएट किया है इंस्टा पे, आप उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। फेसबुक पे भी ग्रुप क्रिएट कर दिया है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लीव पेंट करके बता रहे हैं, तो इसमें सैप ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड वाइट यूज़ करेंगे। अब देखिए ये शेड आपको बहुत ही आराम से समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने क्लास 14 को आपको दो पार्ट में बताया, क्योंकि आपने बोला था पार्ट वाइज बताइए, और उसमें मैंने आपको हर तरीके की जो लीव्स हैं वो बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया है कि किस तरीके से शेड करना है, क्या करना है। तो वो 14 अभी इससे पहले वाली ही क्लास थी, ये क्लास 15 है, वो क्लास 14 थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2
हाउ टू पेंट लीव्स. मैंने स्टेप यूज किया है आपके साथ लाइट ग्रीन एंड वाइट ऑलरेडी शेयर किए हैं कि कैसे ये शेप अलग होता है, कलर अलग होते हैं. वो क्लास जरूर अटेंड करिएगा अगर आपने मिस कर दी है तो, क्योंकि वहां से आप बहुत सारी लीव्स एक बार में सीख सकते हैं. और वो क्लास मैंने आपके रिक्वेस्ट पे ही ली थी कि आपको एक स्पेशल लीव्स पेंटिंग की क्लास चाहिए थी, तो वो आपके लिए लिया था. उसको मिस नहीं करिएगा, देखिएगा. और इस तरीके से आप बहुत ही प्यारी सी पैंजी की लीव पेंट कर सकते हैं. अभी तो और सारी लीव्स भी हैं, तो चलिए उसको भी पेंट करते हैं स्टेप बाय स्टेप. अब ये लीव ध्यान से देखिएगा, मैं डिफरेंट तरीके से पेंट कर रही हूँ. तो वो वाली मैंने दूसरे तरीके से पेंट किया था, तो अगर आप चाहें तो और ईजी करके इस तरीके से पेंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमने डार्क शेड अप्लाई किया बाहर से, एंड देन लाइट शेड अंदर से. इस तरीके से आपस में ब्लेंड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, एंड देन दूसरी साइड पे कलर अप्लाई करेंगे. कौन सा कलर है? लाइट ग्रीन. और उसको इस तरीके से शेड को अंदर की तरफ शेड करेंगे. वाइट कलर का यूज़ करेंगे ग्रीन को और लाइट करने के लिए, एंड देन इसको शेड कर देंगे अंदर के साइड से. तो अब ये जो हमने थोड़ा सा पोर्शन छोड़ा है, कौन सा कलर लगाएंगे? ऑफ कोर्स डार्क कलर. एंड इसको इस तरीके से बाहर के साइड ले जाके मिक्स कर देंगे. तो ये भी बहुत इजी स्टेप है, जिससे आप बहुत ही प्यारी सी लीव्स जो है पेंट कर सकते हैं. तो अब भी हमारी जो दो लीव्स और बची है उसको भी पेंट कर लेते हैं. सबसे पहले सैप ग्रीन को इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, देन उसके बाद लाइट ग्रीन को अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सैप ग्रीन से शेड कर देंगे. ठीक है, अच्छे से ब्लेंड करेंगे. एक साइड का इस तरीके से पेंट हो जाएगा, दूसरी साइड पे सैप ग्रीन अंदर के साइड अप्लाई करेंगे, और बाहर के साइड पे लाइट ग्रीन कलर को अप्लाई करेंगे. बहुत ही आराम से, बाउंड्री के बाहर कलर नहीं जाना चाहिए. फिर दोनों को आपस में अच्छे से ब्लेंड करेंगे. उसके बाद वाइट कलर लेंगे और साइड्स पे इस तरीके से लगाएंगे वन बाय वन, फिर ऊपर से लाते हुए अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे उसमें, एंड शेड करेंगे. और ये है आपकी लीव तैयार. नेक्स्ट लीव को पेंट करना शुरू करेंगे. लाइट ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे, देन वाइट, एंड देन उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करेंगे. ये साइड हो गई फिल. उसके बाद ब्रश में लेंगे सैप ग्रीन कलर, एक लाइन बनाएंगे और बीच से उसको इस तरीके से ब्लेंड करेंगे कि शेड आपका डार्क अंदर के साइड पे रहेगा, और अपोजिट साइड पे फिर हम डार्क शेड बाहर की तरफ से लगाएंगे इस तरीके से, और फिर अंदर के साइड से ऑफ कोर्स लाइट शेड जो जितना पोर्शन हमारा बचा है वहाँ पे लाइट शेड को इस तरीके से अप्लाई करेंगे. सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने के बाद आप दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे. उसके बाद थोड़ा सा और अच्छे से मिक्स करेंगे जहाँ पे हमें टेक्सचर दिख रहा है, क्योंकि टेक्सचर नहीं दिखना चाहिए. ये है हमारा बहुत ही प्यारा सा पैंसी फ्लावर, और ये है उसकी डिज़ाइन. आई होप कि ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल रही हो आपके लिए. वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा. क्लास पसंद आई तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा. मुझे आपके मोटिवेशन की नीड है. एंड इस क्लास को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए. न्यू है तो सब्सक्राइब करिए. यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नस, और इसके लिए आप लाइनर ब्रश यूज़ करेंगे. और आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा. नेक्स्ट क्लास में कौन सा फ्लावर देखना चाहेंगे कमेंट में बता सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.